Hello friends, how are you doing? Welcome to our channel, Mango Chats. So topic of this video is how to use LinkedIn effectively in order to land a job here in Canada, even before landing here. So we thought of sharing our experiences ki humne LinkedIn kaise use kiya to get a job interview and ultimately a job. So we'll be sharing few tips with you, jo hopefully aapko bhi help kare. So tip number one is professional profiling. जब भी कोई आपका professional profile देखता है over LinkedIn, जैसे कि job recruiters देखते हैं, team managers, hiring managers, तो एक professional impression पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है. तो professional profiling में क्या आता है? सबसे पहली चीज़ आपका professional photograph, your headline, your summary, और आपके जॉब टाइटल्स एंड योर एजुकेशन एंड कोर्सेज दैट यू हैव डन और आपके वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस एज वेल. तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए? तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें. पहला, प्रोफाइल फोटोग्राफ शुड बी फ्रंटल फेस विद अ स्माइल ऑफ कोर्स. सेकंड, आपका प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देयर हैज़ टू बी अ लाइट ऑन योर फेस विदाउट एनी शैडो. तो ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू पुट अप योर प्रोफाइल पिक्चर. सेकेंडली, आपको अपडेट करना है आपका हेडलाइन, आपकी जॉब टाइटल्स और आपकी समरी. ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ सर्चिंग योर प्रोफाइल ऑन द लिंक्डइन. इनमें आप मेक श्योर दैट यू आर इंक्लूडिंग सर्टन कीवर्ड्स ऑफ योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस विच विल हेल्प एसेंशली any recruiter who is searching for certain skills. Aapka profile automatically would be ranked on a, you know, on the top when you have all these keywords in these three different areas. Thirdly, education, certificate and courses and volunteers. आपके certifications, courses and leadership programs, education, जो भी कुछ आपने किया है, it's नेसेसरी कि आप उसको अपने लिंक्डइन में बताएं, क्योंकि इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर प्रोफाइल. अगर आपने अपने पास्ट में बहुत वॉलंटियर वर्क किया है, सो इट्स वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू शो दैट इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, बिकॉज यहाँ पे कनेडियंस दे वैल्यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी, दे बिलीव इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी. टिप नंबर टू इज फाइंड आउट अ स्पेसिफिक जॉब एंड रीच आउट टू स्पेसिफिक पीपल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप अ टारगेटेड अप्रोच. अगर आपको कोई जॉब दिखती है लिंक्डइन में एंड यू नो दैट यू वॉन्ट दैट जॉब, सो रीच आउट टू द स्पेसिफिक हायरिंग मैनेजर, टीम मेंबर और रिक्रूटर्स रिलेटेड टू जॉब. He's a real life example to find a job through this approach. तो जब हमें PR मिला October 2017 में, तो I started reaching out to people on the LinkedIn in the companies which I was interested in. I was working in management consulting and I wanted to get a job in the Big Four itself. So I started writing down messages on the LinkedIn to HR, to recruiters for those companies. Many a times in recruiters ke or HR's ke emails mentioned hote hain on the LinkedIn because they want people to reach out to them and they are open to those messages as well. तो अब बात आती है मैसेजेस की, कि मैसेज में क्या लिखा है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैसेज हैज़ टू बी मोर पर्सनलाइज्ड एंड वेरी टारगेटेड एंड वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर. तो मैं सबसे पहले चीज़ यही बोलता था कि मेरा एक ब्रीफ प्रोफाइल बताता था कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डन एंड दैट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई स्किल्स आई एम लुकिंग फॉर सच एंड सच जॉब. और मैं अपना PR स्टेटस भी बताता था एंड देन आई यूज टू राइट डाउन दैट आई विल बी लैंडिंग इन कैनेडा सून एंड डेफिनेटली आई विल बी स्टेइंग देयर. इससे एक कमिटमेंट शो होती थी और दे वर रेडी टू गिव मी अ चांस एज वेल. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम कपल ऑफ पीपल एंड आई गॉट इंटरव्यूज एज वेल फ्रॉम द कंपनीज एंड द जॉब दैट आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन. मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा टेलीफोनिक ही इंटरव्यू हुआ. देर वर लाइक 3 or 4 राउंड्स दैट हैपन एंड आई गॉट माई जॉब इवन बिफोर यू नो लैंडिंग हियर. देर वॉज वन स्काइप इंटरव्यू टू. यस, सो देर वर कपल ऑफ राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज दैट हैपन बट आई गॉट थ्रू दैट एंड आई गॉट अ जॉब यू नो बिफोर इवन कमिंग हियर.
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेटवर्किंग एंड वेरी टारगेटेड एंड स्पेसिफिक नेटवर्किंग. तो ये आज भी मैं अप्रोच फॉलो करता हूँ फॉर इफ़ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब और इफ़ आई एम अप्लाइंग फॉर सर्टेन जॉब्स या फिर जनरल नेटवर्किंग के लिए भी. टिप नंबर 3 इज बिल्ड योर लिंक्डइन फुटप्रिंट. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट आपका प्रोफाइल सबसे टॉप रैंकिंग में आए जब भी रिक्रूटर्स या हायरिंग मैनेजर्स आपके रिलेटेड स्किल सेट सर्च कर रहे हैं. सो व्हाट डू? वी कमेंट, लाइक एंड शेयर. कोई भी पोस्ट यदि आपको बहुत अच्छा लगता है तो यू लीव योर कमेंट ओवर देयर, लीव योर ओपिनियंस ओवर देयर, शेयर समथिंग विच यू थिंक दैट इज़ गुड एंड अपने ओपिनियंस एंड अपने थाट्स उसमें बताओ. और पर्टिकुलरली आपके जो जॉब एरिया है या स्किल एरिया है उससे रिलेटेड आप पोस्ट शेयर करते हो तो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गिव योर ओपिनियंस. इट हेल्प्स बिल्ड योर लिंक्डइन फुटप्रिंट. राइट. टिप नंबर 4 इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग. इन कैनेडा मोस्टली जॉब्स यहाँ पे नेटवर्किंग के थ्रू मिलती हैं. इनफैक्ट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी यही शो करते हैं कि तकरीबन 70-80% ऑफ द जॉब्स आर थ्रू नेटवर्किंग. So first thing that you need to consider when you're reaching out to people is who to reach out to. In this, you have to reach out to people like hiring managers, recruiters, then team members, and then newly hired people, and then profiles of people who you think you are interesting in your industry and your skill set. So reach out to them. Definitely through LinkedIn messages. So now messages, the most important thing is it has to be personalized and it has to be very targeted. आप जब connection request भेज रहे हो LinkedIn में तो LinkedIn provides a 300 words limit in that message for free. So you utilize that. उस message में make sure that you are using that space to make it more personalized. आप personalized कैसे कर सकते हो? You have to go through the profile of that person. अगर आप किसी कंपनी के रिक्रूटर को भेज रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी एज वेल एंड इंश्योर दैट आपका मैसेज थोड़ा कैची हो एंड इट शोज दैट यू हैव डन योर रिसर्च एंड योर होमवर्क एंड यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम. यस. सो वंस यू आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन आस्क फॉर एन इंफॉर्मेशनल चैट और सीकिंग एनी गाइडेंस एंड हेल्प फ्रॉम देम. Here in Canada, people are really open and they're really helpful and they share their advice if you ask for help. तो ऐसा ही मैसेज जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. If you want, you can use that as well. So in informational chats के थ्रू आपको पता लगता है कि यहाँ का कनेडियन कल्चर क्या है, वर्क कल्चर क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या है, जिस तरीके के प्रोफाइल में आप जाना चाहते हैं उसमें क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगी. तो नेटवर्किंग में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है यू हैव टू नेटवर्क विद द रिक्रूटमेंट एंड द स्टाफिंग एजेंसीज. Canada mein it's pretty common that many of the companies they hire through these recruitment and staffing agencies. So you have to make sure that you are well connected with those recruiters and you know staffing agencies over the LinkedIn itself. काफ़ी recruiters के profiles mention होते हैं and they have their emails also written out in their profile. So you have to make sure that you are in the top of their mind and you have to message them about any particular job that you see on their website or you can ask them as well directly by messaging. Last but not least is basically participating in the professional groups, following any companies and setting some alerts in the LinkedIn jobs so that you keep on getting all those messages in your inbox whenever there is a posting from that company itself. सो फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स हैं जो हमने अप्लाई करे हैं अपनी जॉब सर्च जर्नी में. इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूएंसेस होते हैं. यदि आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ हमें कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन देम बिलो. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लेट अस नो हाउ यू यूज़ लिंक्डइन टू गेट अ जॉब हियर इन कैनेडा. टिल देन, बाय बाय.